हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ये वीडियो में अपन पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं जायरोस्कोप में रिकॉइल कैसा कंट्रोल करना और कैसा बैठ के खेलना कैसा फोन को पकड़ना हैंड मूवमेंट्स कैसे रहना उसके ऊपर ये वीडियो बनाए सो अपन इस जो पार्ट वन वाली वीडियो थी उसमें पूरा मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी के बारे में स्प्रे एक्यूरेसी कैसा रहना कैसा खुद की सेंसिटिविटी ढूंढना पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया हमें जयरो ऊपर जायरो के ऊपर पूरा दबा के एक्सप्लेन कर दिया उसमें मैं और बाद में फिर मेरे को डीएम आए भाई तुम हमारा हैंड मूवमेंट कैसा करते तुम कैसा रिकॉल कंट्रोल करते और क्या कैसा बैठ के खेलते पिल्लो लगा लेके खेलते हैं कैसा खेलते इसमें पूरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं वीडियो एंड तक देखो बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेंगी और ज्यादा लंबा लेके नहीं गया हमें बहुत छोटी वीडियो है मेरी पहली शॉर्ट वीडियो है ये देखो वीडियो एंड तक मजा आएगा सबसे पहले रिकॉल कंट्रोल करने के दो तरीके देखो सबसे पहला तरीका उसको नजर मारो आप लोग देखो पहले सो so जैसा आप लोग आगे इसमें मेरा सिर्फ रिस्ट मूवमेंट है जो मैं करता हूं यही चाहता हूं मेरे को ये सबसे बेस्ट आता है मेरे को ये मास्टर कर लिये मैं सिर्फ करिए मूवमेंट से स्प्रे देना बाकी एल्बोज लॉक सारे सारे कह रहे थे सो एल्बोज और पिल्लो पे पूरा सपोर्ट ले लेके सिर्फ रिस्ट मूवमेंट अगर आपको पिल्लो पे सपोर्ट नहीं लेना है फ्री हैंड से खेलना है तो भी खेलो सिर्फ व्रिस्ट मूवमेंट से रिकॉल कंट्रोल करो कुछ भी बॉडी मूवमेंट्स कुछ भी नहीं लेफ्ट राइट भी जा रहा है तो बॉडी मूवमेंट नहीं पूरा वृष्टि घुमा दो समझ रहे ना सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड कैसा है बोले तो सेकंड में आप पहले नजर मारो उसको भी सो so गाइस जैसा आप लोग यहां देखे इसमें या तो पिल्लो लगा लेके आप लोग एल्बो को दूर करो अपने से रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए एक लेवल तक आपका ब्रिश लेके जाते आप उसके बाद एल्बो को दूर करते एल्बो को दूर करके रिकॉइल कंट्रोल करते हैं उसमें भी आपको पिल्लो लगा के करना है पिल्लो के बगैर फ्री हैंड्स में करना है वो आपके ऊपर रहता हो तो ये दो तरीके सबसे बेस्ट है अभी तक और सो मैं आप लोगों को देखो सबसे पहले तो वृक्ष वाला स्प्रे मार के बताता हूँ जो मेरे को मैं मेरे को बहुत पसंद मेरा जायरो इससे ये वृक्ष वाले से ही मेरा अच्छा कंट्रोल होता जायरो आपके ऊपर रहता है आप दोनों प्रैक्टिस करो जो आपको सेट हो रहा है उसको सेलेक्ट कर लो उसको कंटिन्यू करो और उसको इतना प्रैक्टिस करो मास्टर हो जाना देखो अब ये वाला अपना स्प्रे है वृश्ट से करा मैं पूरा इसको रिकॉर्ड कंट्रोल और ये मैं कर रहा हूं एल्बो डाउन करके देखे स्प्रे कितना गंदा गया खेल तो मेरे को ये प्रैक्टिस नहीं करे सो मैं मेरे को अच्छा नहीं आता है जो मेरा अच्छा गया मेरे को मालूम पड़ गया कि भाई मेरा रिस्क अच्छा गया तो मैं इसको प्रैक्टिस कर करके मास्टर कर लिया आप भी वैसे करो ये दोनों तरीके ट्राई करो किससे आपका स्प्रे अच्छा जा रहा खुद देखो रिकॉर्ड करो फिर स्लो मो में वीडियो देखो कैसा बुलेट कैसा जा रहा पूरा अच्छा जा रहा किसमें अच्छा गया वो कंटिन्यू करके मास्टर करो सो गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कैसा बैठ के खेलना पहले तो मैं आपको दो बेस्ट तरीके बता दूं देखो पहले तो मैं जैसा खेलता हूं वो बता रहा हूं देखो आप लोगों को नजर मारो सो गाइस जैसा आप लोग लोगों देखिए पिल्लो पे मैं पूरे एल्बोस लॉक करता हूं कुछ भी बॉडी मूवमेंट नहीं देता हूं सिर्फ और सिर्फ वृस्ट मूवमेंट लेफ्ट भी गाड़ी गई राइट भी गई ऊपर नीचे आए बाएं कहां पे भी जान दो वृक्ष से घुमाओ बस एम को जाहिर उससे कंट्रोल करो अब दूसरे वाले पे नजर डालो आप लोग दूसरा वाला जो है ना बहुत लोग मोस्टली सारे के सारे लोग यूज करते प्रो प्लेयर्स देखो नजर मारो सो गाइस जैसा आप लोग इसमें एल्बोस फ्री कुछ भी सपोर्ट नहीं एल्बो पे पिल्लो नहीं कुछ भी नहीं चेयर पे भी नहीं कुछ भी नहीं एल्बोस फ्री रख लेके स्प्रे मारते बहुत लोग करते हैं मैं ये दोनों ट्राई करा दोनों में से जब मैं जायरो सीखा ना स्टार्टिंग में जब जायरो स्टार्ट किया दोनों ट्राई किया मेरे को मेरा एल्बोस लॉक वाला मेरे को अच्छा लगा उससे मेरा एक्यूरेसी अच्छी थी मेरा एम अच्छा था स्प्रे वगैरह सब अच्छा जा रहा था यही चाहिए आप लोगों को करना है ये आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है स्प्रे मारना है ट्रांसफर मारना है लॉन्ग रेंज स्प्रे मारना है रेड डॉट मारना है क्लोज रेंज सब सब में ट्राई करना है ये सब ट्राई कर लेके जो आपको सेट हो रहा कि मेरे को रिस्ट वाला रिकॉइल सेट हो रहा एल्बो वाला रिकॉयल सेट हो रहा या पिल्लो लगा लेके खेलने का सेट हो रहा या फ्री हैंड्स खेलने का सेट हो रहा जो आपको सेट हो रहा वो आप लोगों को खुद ही ढूंढ लेना पड़ता किसी का कॉपी ना को करो अब समझो मैं वृक्ष लगा के खेलू तो मेरा वृक्ष लगा के खेलने का ट्राई को करो क्या मालूम आपका जो एल्बो वाला है वो अच्छा रहेगा आप, आपका तो वो ट्राई करके देखो एनसी वगैरह के बारे में अगर आप जानना चाह रहे कैसा एक्यूरेसी खुद की सेंसी ढूंढना वगैरह इसके बारे में मैं बहुत लंबा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया पार्ट वन वाली वीडियो में ये वीडियो कई को बनाया बोले तो बहुत लोग डीएम से भाई मैं सीजन थ्री से कर रहा करूँ मैं जा रहा हूँ अभी तक मास्टर ने करा तुम्हारी सेंसिटिविटी वगैरह सब देख लिया खुद की सेंसी बना लिया फिर भी नहीं हो रहा मेरे से बोल के बोले कैसा तुम कंट्रोल करते कैसा तुम बैठ के खेलते उसका एक बार डालो वीडियो बोल के बोले लोगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाया कि भाई ऐसे बेस्ट दो तरीके रिकॉर्ड कंट्रोल करने का और ऐसा बैठ के खेलो जो आप लोगों को सूट होता वो तो लगा लो बैठो खेलो मारो ट्रेनिंग में हो सेट कर लो मास्टर करो वो चीज को देखो गाइस अगर आप सीजन थ्री से कह रहे हो अभी तक आपका जा मास्टर नहीं हो तो आप सही से नहीं कर रहे सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे उन्हें कितना सीखना चाह रहा है उसके ऊपर रहता हो अंदर से रहना हो कि भाई हाउ भाई मेरे को सीखने का है बोल के तो आपको आना वो चीज और कभी भी हारो मत मतलब भाई नहीं हुआ मेरे से तो कुछ भी नहीं आज नहीं होता कल तक होता कुछ कभी भी होता भाई प्रैक्टिस करते रहो बस सो so गाइस आई थिंक आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे जायरोस्कोप को लेके सारे क्लियर हो गए होंगे पार्ट वन में आप लोगों को पूरी सेंसिटिविटी वगैरह उसके बारे में मालूम हो जाता कैसा रिकॉइल कंट्रोल करना स्प्रे पैटर्न वगैरह सब कुछ मालूम हो जाता और इसमें आप लोगों में बता दिया कैसा बैठ के खेलना कैसा रिकॉइल कंट्रोल करना ये मेरी पहली शॉर्ट वीडियो थी गाइस ज्यादा लंबा नहीं लेके गया वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना गाइस और कमेंट करना आप लोग कौन सा यूज करते अभी तक

Yes, i no. Give me the reasons to doubt. Try to keep me down, but I'll put the flame out. You can't get to me. Throw your sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't eat my soul.